चलिए, तो बात जो है हमारी चल रही थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की है। नॉर्मली बताया था तुमको सेंटेंस जो है हमारे छह प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हमने दो जो है आपके डिस्कस भी कर लिए थे। तो मैंने कहा था जो चीज भाई पढ़ाऊंगा वो पूछूंगा भी है, पूछ भी लिया जाए भाई। काम करो भाई, तुम मुझे शुरुआत करी जाए। चलो खड़े हो जाओ। यस यू, क्या नाम है तुम्हारा? लव कुश। हाँ बताओ, व्हाट इज असर्टिव? व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? ओपन नहीं करना किसी को, नोटबुक अपना बंद करो। शुक्र जाओ नोटबुक रहो। यस मंजू खड़ा जाओ। चलो तुम्हें बताओ, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? इट इज शोज स्टेटमेंट। चले पढ़ लेगा या पिटेगा कहीं? क्यों भाई हैं, तेरा पिटने का मन करता रहा है? खुला पड़ा रहा है। हाँ अमरजीत बताओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यस सीटर, व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंस? इट्स अ क्वेश्चन और कंफर्मेशन। गुड, ये देखो। और व्हाट इज यस नो टाइप? एचवी प्लस। व्हाट इज यस नो टाइप? यस नो टाइप क्या होता है? यस, व्हाट इज यस नो टाइप? इट शोस कंफर्मेशन। मैं मान लीजिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो दोनों चीज दिखा रहा है, कंफर्मेशन भी दिखा रहा है, क्वेश्चन भी दिखा रहा है, तो यस नो टाइप तो कुछ ना कुछ दिखाएगा ना। तो क्या दिखाता है? कंफर्मेशन दिखाता है। एंड डब्ल्यूएस टाइप क्या करेगा फिर? डब्ल्यूएस टाइप क्या करेगा बताओ? डब्ल्यूएस टाइप क्या दिखाएगा फिर? इट शोज क्वेश्चन। गुड, सिंपल सी तो बात हो। क्लब पर देना फिर। चलिए तो यानी बताया था असर्टिव सेंटेंस, ये क्या होता है? स्टेटमेंट देना किसी के बारे में, कथन देना। जो स्टेटमेंट है आपका एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इसके अलावा बताया था तुमको इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आपका दो पार्ट होगा। और जनरली बात करें भी, व्हाट इज इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होता है, तो इंटरोगेटिव की बात करें तो इट शोज कंफर्मेशन और क्वेश्चन। असर्टिव की भी बात करें तो उसमें भी दो पार्ट थे हमारे, एक था अफर्मेटिव एक था नेगेटिव। अफर्मेटिव बोले तो इट शोज अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसके बाद बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट। इसके अलावा यस नो टाइप, जैसे मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप थे, यस नो टाइप, यस नो टाइप की बात करें तो इट शोज कंफर्मेशन, जिसका स्ट्रक्चर एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा आपका इट शोज अ क्वेश्चन, ही क्वेश्चन को दिखाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डब्ल्यू एस टाइप प्लस एचवी प्लस वर्ब प्लस सॉरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर। इतना था बस, सब कुछ पढ़ा दिया है और तुमने देखा नहीं, घर जाके। चलिए तो भाई बात करेंगे थर्ड टाइप की। अभी थर्ड टाइप कौन सा आता है? अगर थर्ड टाइप की बात करें तो वो आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, आखिर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है जी? इंपेरेटिव सेंटेंस आखिर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अगर देखो इसको शुद्ध हिंदी में बोले तो वैसे इसका मतलब होता है आदेशात्मक। आदेशात्मक मतलब जिसमें आदेश दिया जाता हो जी, हैं? तो कोई जरूरी नहीं सिर्फ आदेश ही दे जाएगा, इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो इसके हिंदी मीनिंग को जाओ और आगे की पढ़ने की बात करो, क्योंकि हिंदी से ही बात नहीं बनेगी। यानी हम कह सकते हैं इट शोज ये दिखाता है आपका ऑर्डर्स, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन। यानी इन सब चीजों को ये दिखाता है, ठीक, ईटीसी। यानी ऑर्डर्स दिखा सकता है, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन। इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो, और
इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ तरीके से होगा, सीधे से शुरुआत होगी वा प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से आपको मिलेगा ये सेंटेंस, इस तरीके से होगा ठीक। यानी वा प्लस अदर वर्ड, यानी बी वन होगा वा प्लस अदर वर्ड होगा, इस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें तो हमने मान लो एग्जाम्पल भी देना है तो कह सकते हैं गो आउट, अभी बाहर चले जाइए, गो आउट ठीक। या हमने कहा भाई सिट हियर, भाई यहाँ बैठ जाइए, तो ये क्या है, इस तरीके से ये ऑर्डर हो गया ठीक है। हमने कहा भाई प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज हेल्प मी ठीक है। तो ये क्या आपका रिक्वेस्ट है, तो ये क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, इंपेरेटिव का मतलब जहाँ पर ऑर्डर्स मिलेगा, कमांड मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, सजेशन मिलेगा। इसके अलावा तुमको बताया था सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस आपको बताया था सेंटेंस में तीन चीजों का होना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ऐसे कहा था कि नहीं कहा था, जरा देखिएगा, वर्ब है, अदर वर्ड है, सब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना। यही बात कहा था कि हर चीज जो बोलता हूँ वो 90% सच होती है, 10% होने को कुछ भी हो सकता है। ये भी आपका सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, क्या दिख रहा है, क्या सब्जेक्ट नहीं, बट याद रखना हमेशा यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता तो है बट वो हिडन होता है ठीक है, वो छिपा होता है। यानी जब आप किसी को मान लीजिएगा ऑर्डर करेंगे, किसी को तो करेंगे ना भाई, किसी को तो आप करोगे तो सामने कोई ना कोई तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका हिडन होता है, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ भी है, समझ आ रही है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट सब्जेक्ट यहाँ पर है, किसी से आप कहते हैं, सामने वाले से कहते हैं, तो सामने वाला कोई हो सकता है ठीक है, जिससे भी आप कह रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका मतलब हिडन होता है ठीक। चलिए इसके अलावा इसमें और एक दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट मिल सकता है, प्लस आपको विमान मिल सकता है, प्लस अदर वर्ड देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। अगर सब्जेक्टिव केस लगाया तो याद रखना ये गलत हो जाएगा, ऐसा करना, ऑब्जेक्टिव केस लगाओ तो राइट होगा। इसके अलावा जो ये आपने देखा ये तो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस तो है, बट ये है आपका अफर्मेटिव है, ये आपका अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव भी हो सकता है ठीक। नेगेटिव क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डोंट होगा ठीक है, यहीं पर ही लग जाएगा आपका डोंट, और वही सेम सिस्टम बाकी सेम रहेगा। जैसे हमने कहा डोंट कम हियर, यहाँ बताओ डोंट कम हियर, तो डोंट कम हियर भाई यहाँ बताइएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका नेगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो है पर इंपेरेटिव का नेगेटिव है ठीक। इसके अलावा बात करें तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल तौर बात करें तो भाई लेट हिम गो, लेट हिम गो, तो भाई इसको जाने दो, लेट हिम गो ठीक, लेट हिम गो। इसके अलावा हमने कहा लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो ये भी क्या है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है ठीक। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड कुछ आ रहा है, कुछ समझ पा रहे हो क्या है, यहाँ पर कुछ है या कुछ समझ में आ रहा है कुछ, क्या यहाँ पर क्या क्या है, हैं कुछ समझ आ रहा है क्या, इस वाले में सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, अदर वर्ड क्या है, पहचान पा रहे हो क्या, हैं कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बात की बात है, बड़ा फंडा है, समझ आएगा। फिलहाल बता देता हूँ, ये जो है आपका वर्ब है ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है सर, तो ये भाई आपका वर्ब तो है पर कैसा वर्ब है, ये मैन वर्ब नहीं है, ये आपका इन्फिनिटिव है, मतलब इन्फिनिटिव है आपका, और इन्फिनिटिव कैसा वाला है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये आपका बेयर इन्फिनिटिव है, जहाँ पर टू प्लस वी वन नहीं होता है, सिर्फ वी वन रह जाता है, ये बाद में पढ़ेंगे ठीक है, एडवांस चीज़ है, इसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो मैं बस तुमको रुक रुक रहा हूँ, देखने में इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं ठीक है। यहाँ पर जो मैन वर्ब का काम कर रहा है वो लेट है, लेट कैसी वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है जब कोई काम खुद ना करके दूसरे से आप करवाएं। मान लीजिए जब यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर करेंगे भी लेट हिम को, भी उसको जाने दो, किसी ना किसी तो कहेंगे भी इसको जाने दो, तो यानी एक ऐसी वर्ब है जो दूसरे से काम करवा रही है
उसी को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब, जो दूसरे काम को करने का कॉज बनती है, कारण बनती है, उसी को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ब है। हालांकि वैसे क्या होता है पॉजिटिव वर्ब, जब वो वर्ब चैप्टर डेटा में पढ़ेंगे वो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम अपनी एक रूपरेखा मतलब रूपरेखा तैयार कर रहे हैं अपने टाइम एंड टेंस सीखने के लिए, वॉइस सीखने के लिए, नरेशन सीखने के लिए, हमारा बेसिक पार्ट है। ठीक है, एडवांस हम बाद में करेंगे, तो अपना अभी क्या है बेसिक चल रहा है। तो ये होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो इतना क्लियर है? ठीक, अगर इतना क्लियर है तो मैं चाहता हूँ ये लिख लिया जाए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब देखना तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी इंपरेटिव सेंटेंस में। तो ये तीसरा टाइप था आपका। इसके अलावा आपका आता है फोर्थ टाइप, चौथा टाइप। चौथा टाइप कौन सा होता है? होता है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस, अच्छा, ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वैसे इसका शुद्ध हिंदी मतलब कोई पूछे तो भी बता देना, कोई नहीं है। पर वैसे मैंने कहा कि हिंदी मतलब की बजाय उसको एक्सप्लेनेशन में जानो कि चीज क्या है, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से। वैसे ऑपरेटिव सेंटेंस का होता है इच्छा सूचक, कि भाई क्या इसमें सिर्फ इच्छा ही की जाती है? तो बिल्कुल हाँ, इच्छा ही की जाती है। और इच्छा तुम्हारी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, दोनों चीज़ों की हो सकती है। कैसे? यानी बात करें तो ऑपरेटिव सेंटेंस की, तो इट शोज ब्लेस, ये ब्लेस को दिखाएगा, आशीर्वाद को दिखाएगा, कर्स को दिखाएगा, विश को दिखाएगा, बून को दिखाएगा, एंड विश को दिखाएगा। भाई हो गया पहले से ही है? अच्छा, वो तो हो गया है, विश हो गया, तो बून हो गया, एंड प्रे इटीसी। बून मतलब आशीर्वाद, ब्लेस का मतलब भी आशीर्वाद होता है, गुण का मतलब भी आशीर्वाद होता है, कर्ज का मतलब श्राप, इसका मतलब इच्छा मतलब कामना, या प्रे का मतलब आपका प्रार्थना। ठीक, इन सब चीजों को दिखाएगा आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक, और ऑपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखना हमेशा, तो हमेशा मतलब 90% ही होता है। ठीक है, वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब बी वन प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क जो मिलेगा जो ऑपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, इतना क्लियर है? अरे मक्खी कैसे बनने वाली भाई, चलिए। हाँ भाई, जरा देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे भी आप लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, इसके अलावा हमने कहा मे, तो यहाँ पर क्या एक तरीके से ये क्या हो गया, विश हो गया भैया, अभी कामना हो गया है। और प्लस मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं अभी मे यू लिव लॉन्ग, तो आपकी ये विश हो गई। ठीक है, आपकी तरफ से फिर ये विश है, आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो। तो मान लीजिए कोई बड़ा बूढ़ा कहेगा मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या होगा, ब्लेस हो गया, आशीर्वाद हो गया। क्यों? क्योंकि आप अपने फ्रेंड को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप उसको बस विश कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा जता सकते हैं कि भगवान करें कि भी आप लंबी आयु मतलब जियो, तो ये आपकी इच्छा हो गई, भगवान से प्रे हो गई, प्रार्थना हो गई, विश हो गई। बट कोई बड़ा बूढ़ा कहेगा भाई, जो आपके बड़े हैं, सीनियर्स हैं, तो वो आशीर्वाद करेंगे भाई भगवान करे आप लंबी उम्र जियो। ठीक, इसके अलावा हमने कहा मे ही डाय सून, भगवान करे जल्दी मर जा है? तो ये क्या हो गया, कर्ज हो गया। ठीक है, मान लीजिएगा किसी सीनियर हैं, कोई बड़े हैं, उनका आप ज्यादा हाथ में दुखा दें, तो क्या करें, भगवान करे जल्दी मर जाए, इसका नाश जाए, तो मे ही डाय सून। ठीक, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मे सबसे पहले मिलेगा, मे का यहाँ जो मतलब निकलता है वो निकलता है भगवान करे। ठीक है, भगवान करे, बात बात पे भगवान करे। ठीक, ठीक है, तो भगवान करे कि भैया आप लंबी उम्र जियो, भगवान करे आप पास हो जाओ, मे यू पास है, भगवान करे आपके अच्छे नंबर आवे, मे यू गेट गुड मार्क्स, तो इस तरीके से। ठीक, और इसके अलावा डायरेक्टली मान लीजिए, डायरेक्टली भी हो सकता है, मैंने कहा भी मेगा स्ट्रक्चर ये ऐसे नहीं, मेगा स्ट्रक्चर है, सीधा भी हो सकता है, कई बार कह रहे थे सीधा सीधा यू बी हैप्पी, कभी तुम खुश रहो, यू बी हैप्पी, कभी तुम खुश रहो, यू बी हैप्पी, ठीक है, तुम खुश रहो, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको लिखने को मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ जहाँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते, जो यूट्यूब देखते हैं उसको।
चलिए तो भाई, तो आपने जाना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में, यानी इट शोज ब्लैक कार्स गोन ड्रेस, इन सब चीज़ों को दिखाएगा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चलिए नंबर फाइव आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो याद रखना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है, हाँ शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है विस्मय बोधक। ठीक है, अब विस्मय बोधक क्या होता है? सर शुद्ध हिंदी थोड़ी है, तो संस्कृत से लग रहा है ना। अच्छा, हिंदी में क्या कहेंगे विस्मय क्या होता है? ये हिंदी में ही है भाई, विस्मय बोधक ये शुद्ध हिंदी है। ठीक है, विस्मय बोधक। ठीक है, अब संस्कृत में बताए क्या कहेंगे विस्मय बोध मंगन का। ठीक है, विस्मय में छोड़ता क्या? अच्छा, विस्मय बोधक क्या है? जहाँ पर एक तरीके से आप मतलब सरप्राइज करते हैं, जहाँ पर आप सरप्राइज करते हैं है? और जहाँ पर मतलब कोई आश्चर्य की बात होती है, चाहे आश्चर्य वो कैसा हो सकता है, आपका खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, वो कैसा भी आपका आश्चर्य हो सकता है। तो यानी ये जो दिखाएगा तुम्हारे इट शोज सडन फीलिंग्स, ये जो दिखाएगा आपके सडन फीलिंग्स को दिखाएगा, ये आपके सडन फीलिंग्स को दिखाएगा भाई। सडन फीलिंग्स कैसे होती हैं? जो अचानक से अंदर से निकलती हैं, कोई इरादा नहीं होता उनको निकालने का आपका, बट अचानक से ही निकलती है। जैसे मान लीजिएगा आपका दोस्त है, हैं मान लीजिएगा वो भाई नौकरी लग गया उसका, तो आप करते हैं वाव क्या बात भाई तुमको जॉब मिल गई है, तो मतलब वाव जो आपने बोला ये ऑटोमेटिकली जो वर्ड निकल करके आया, तो इसमें क्या होता है कुछ शब्द मुँह से निकल करके आते हैं और आश्चर्य होता है। ठीक है, तो वाव भाई तुम्हारे तो मतलब तुम्हारी तो जॉब लग गई भी है, हैं मारे या कोई मैच जीत गया आप भी कहते वाव क्या इंडिया भाई वाव इंडिया जीत गए भाई क्या बात है बल्ले बल्ले है। तो मतलब ये सारे जो शब्द हैं ये निकलते हैं अंदर से, तो यहाँ पर क्या है कुछ शब्द निकलेंगे आपके मुँह से और उनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मिलेगा। ठीक है, यानी कुछ शब्द निकलेंगे मुख से और उनके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। जैसे हमने कहा ओ, ठीक है ओ, इसके अलावा हमने कहा आउच, हमने कहा ओ आई सी ओ ये बात ओ सिट, मतलब एक तरीके से ये नेगेटिव है ये भी। इसके अलावा ब्रेवो, वेल डन, हुर्रा हुर्रा वाह तुम तो भाई पास हो गए हैं, हुर्रा है। ठीक है, हुर्रा। इसके अलावा हुर्रा हो गया, इसके अलावा कह सकते हैं अलास, अफसोस भाई, हर बार की तरह तू नालायक फेल हो गया, मुझे अफसोस है इस बात का है। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके के शब्द आपको जो है देखने को मिलेंगे, ठीक सेंटेंस के शुरुआत में ही, जो आपके अगर इन वर्डों को हटा दिया जाए तो याद रखना वो असर्टिव ही रह जाएगा, बस ये कुछ चंद शब्द बना देते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ये कुछ शब्द शुरुआत करके सेंटेंस की बना देते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा हुर्रा हुर्रा वी हैव won the match, हुर्रा वी हैव won the match, अरे भाई बहुत खुशी की बात है, वी हैव won the match मतलब हम मैच जीत गए हैं भाई, हुर्रा वी हैव won the match, तो ये क्या है सेलिब्रेशन के तौर पर आप बोलते हैं, मतलब अपना जो है खुशी में हुर्रा बल्ले बल्ले हो गई है, तो बल्ले बल्ले ही भी फुर्रे। ठीक है, तो भी आप कहें ही भी फुर्रे कहें कुछ भी कहें, तो हाँ मतलब पंजाबी में कहते मतलब ही भी फुर्रे कुछ भी कहते हूँ। तो हुर्रा वी हैव won the match है, तो इसका मतलब है आपका मतलब अपने अंदर से अचानक निकलता है, कब जब मान लीजिए सडनली आप खेल रहे हैं मैच में है, कोई टीम खेल रही है या आप अभी इंडिया खेल रही है, आप कर रहे हो हुर्रा अभी वी हैव won the match, हम जीत गए, मतलब हमसे मतलब क्या है इंडिया साथ मिलकर के मतलब गेम को जीत लिया है,
तो ये क्या खुशी का साइन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो ये साइन है मतलब आपके कुछ खुशी के है, कुछ मतलब तुम्हारे नेगेटिव साइन है, कुछ पॉजिटिव साइन है। मान लो आप ओ की बात करें, वो आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मान लीजिए कोई मर जाए तो आप करते ओ भैया मर गया है, और इसको आप खुशी में बोलते हो ओ यू आर लुकिंग स्मार्ट टुडे है। तो इस तरीके से जो है मतलब खुशी में भी मतलब इसको पॉजिटिव में बोलते हो और नेगेटिव में भी। आउच है ये आपका भी नेगेटिव साइन है। ठीक, तो इसके अलावा ओ आई सी, तो ओ आई सी भी आपका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक, ऐसे ओ शिट ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, ऐसी बड़े आपको खुशी में बोलेगा। ठीक है, ये वेल्डर भी आपका और बुरा भी, और अलास जो है वो तुम्हारा नेगेटिव साइन है अलास। ठीक है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है। ऐसे कि अलास हो मैं जीत गया तुम बड़ा अफसोस बड़ा वजह से नहीं होगा। ठीक है, ये दुख की ही बात है, दुख के लिए प्रयोग होगा अलास। ही इज रूइंड क्या रहे भाई, अफसोस को बर्बाद हो गया। ही इज रूइंड, इन बातों को आप हटा लें तो देखो क्या बचता है, सब बचता है जो दिखाता है आपका ये असर्टिव। तो ये वर्डिंग है जो इसको बनाते हैं क्या एक्सक्लेमेटरी। इसके अलावा क्या सर, इसके अलावा भी कुछ और देखने को मिल सकता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कुछ और प्रकार के मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, अचानक ही निकलते हैं, ये भी सडन फीलिंग ही है आपका, पूरा सेंटेंस सडन फीलिंग से निकलता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कि मतलब कितना सुंदर मतलब ये फूल है, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा पूरे सेंटेंस के बाद असली मार्क आपको मिलेगा, क्योंकि कितना सुंदर फूल है। कई बार देख लेते ना, मानो कोई फूल सुंदर देखा आप करते हैं। और इसके अलावा और आप बोलते हैं व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ मैन यू आर। तो ये व्हाट अ मैन यू आर भी सेंटेंस जो आपका मतलब पॉजिटिव सेंस में निकल सकता है, नेगेटिव में भी निकल सकता है, है मतलब पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों बोल सकते हैं। व्हाट अ मैन यू आर, तुम क्या आदमी हो, आदमी को घर चलो। इसके अलावा जो है कोई माने तुम्हारे अच्छा काम करते, व्हाट अ मैन यू आर, रियली आई मतलब फील हैप्पी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों बोल सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है इट शोज आपका सडन फीलिंग, से सडन फीलिंग को दिखाता है आपने। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, तो लिख लीजिएगा, कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो यूट्यूब देख रहे हैं उसको सब ले लें, उसको आगे बढ़ते हैं। चले इतना क्लियर है, तो इस तरीके के जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। चले जी, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं लास्ट जो आता है आपका सिक्स वन, वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, अगर कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो कंडीशनल सेंटेंस का होता है शर्त सूचक, जिसमें शर्त होती है, सीधी सी बात है, इसमें शर्त आपको मिलेगी, यानी इसमें शर्त होगी। और याद रखना कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका दो क्लॉज होता है, क्योंकि जब शर्त रखी जाएगी तो उसमें दो कंडीशन मतलब होंगी, उसमें दो तरीके की बातें मतलब मिलेगी, तो दो क्लॉज को होना, इसमें दो क्लॉज आपको देखने को मिलती है। वैसे मेनली ना वैसे सेंटेंस जो है नॉर्मली भी आपके पांच ही प्रकार के होते हैं, छठा जो है आपका बस ये है कि कुछ कंडीशन मतलब कंजंक्शन लग करके वो उसको कंडीशन सेंटेंस बना देते हैं। जैसे इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, या हाँ इसको मान लीजिएगा, इसको डिफाइन करने की बात करोगे तो सीधा सीधा लिख देना है इट शोज कंडीशन, ये दिखाता है आपके कंडीशन को दिखाता है, यानी शर्त को दिखाता है, इट शोज कंडीशन। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे आई विल टीच यू, क्योंकि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। इसके अलावा
कुछ भी जो मर्जी बोलोगे until you work hard, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे you will not pass, पास नहीं होगे भाई, you will not pass। इस तरीके से ये कंडीशन है इसमें। कंडीशन क्या है, इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तभी पढ़ाऊंगा जब आओगे, ना आओगे तो कहाँ पढ़ाने पढ़ा जाऊंगा। इसके अलावा अंटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अंटिल एक नेगेटिव है इसमें, ना सब पहले छिपा होता है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। कैसे हो जाओगे, कोई गलत चल रहा है, नहीं होगे भाई। तो चलिए मेहनत करते रहना है, आज क्लास यहीं ब्रेक करेंगे, तो जो है इसको लिख लीजिए, उसके बाद क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, और कीप लर्निंग एंड कीप ब्रेकिंग, सीखते और जीतते रहिए। इसको करेक्ट कर लेना, अंटिल यू वर्क हार्ड, ठीक है, इसको हार्ड कर लेना, ठीक है, उसके बाद यू विल नॉट पास, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ब्रेकिंग, सीखते रहिए जीतते रहिए, और किसी को डाउट है तो रुक के जाएंगे, बाकी